रोपा विधि से लगाए गए धान में हरी खाद के उपयोग में आसानी होती है। इसके लिए सनई या ढेंचा का 25 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के एक माह पहले उसी खेत में बोएं जिसमें आप धान की फसल करने वाले हैं। अब रोपाई से पहले खेत में खड़ी फसल को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। मिलाने के 3 से 4 दिनों बाद हरी खाद सड़ जाती है। इसके बाद आप धान की रोपाई का कार्य कर सकते हैं। ऐसा करने से आप 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरकों की बचत कर सकते हैं। कतार विधि में भी धान की प्रत्येक चौथी पांचवी धान की कतार के बाद सनई या ढेंचा लगाएं और फिर एक महीने बाद निराई गुड़ाई के दौरान इसे खेत में मिला दें। इस तरह से आप उर्वरकों की बचत एवं खेती में लागत को कम कर सकते हैं। धान की फसल को पानी की सबसे अधिक जरूरत होती है, लेकिन सही जल प्रबंधन से आप पानी और पैसे दोनों की बचत कर सकते हैं। विशेषज्ञों की माने तो ये जरूरी नहीं कि धान के खेतों में हमेशा पानी भर कर रखा जाए। धान की रोपाई के बाद 2 से 3 सप्ताह तक 5 से 6 सेंटीमीटर खड़ा पानी बरकरार रखना चाहिए ताकि फसल को खरपतवार प्रभावित न कर पाए। फिर धान की रोपाई के एक सप्ताह बाद यानी कल्ला निकलने के समय खेत में पानी बना रहना चाहिए। बाली निकलने, फूल निकलने तथा दाने आने के दौरान भी खेत में पानी भरा होना चाहिए। फूल निकलने के दौरान पानी बेहद ही आवश्यक है। ध्यान रहे, खेत की सतह से नमी गायब होने पर इतनी ही सिंचाई करें कि 5 से 7 सेंटीमीटर पानी लग जाए। खेत में पानी बने रहने से मिट्टी में फॉस्फोरस, लौह एवं मैग्नीज तत्वों की उपलब्धता बनी रहती है। किसान यह भी ध्यान दें कि जब कल्ला निकल रहा हो तो 5 सेंटीमीटर से अधिक पानी ज्यादा दिनों तक न बना रहे। इसके अलावा वैसे क्षेत्र जहां खेत में हमेशा पानी लगा रहता हो, वहां खेत में जमे पानी को बाहर निकालने का इंतजाम भी आवश्यक रूप से करना चाहिए। इसकी बजाय अगर आपके क्षेत्र में पानी की कमी हो तो ऐसे में कम से कम ये जरूर ध्यान रखें कि धान के खेत में दरार न पड़ने पाए। कि वैज्ञानिक खेती से जुड़ी अहम जानकारियां दी गई। अगर आप चाहें तो तकनीकी फिल्मों की श्रृंखला में हमारे पास एक फिल्म है धान के प्रमुख कीट एवं रोग, जिसे आप जरूर देखें। फिलहाल इस भाग में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।